कैमूर में बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला इकाई का अपनी मांगों को लेकर आज दूसरा दिन भी भभुआ लिच्छवी भवन पर धरना प्रदर्शन जारी रहा, जहां जोर शोर से नारेबाजी की गई। जहां धरना प्रदर्शन में विभिन्न विभागों से डाटा ऑपरेटर पहुंचे हुए हैं, जहां उनका कहना है कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं धरना प्रदर्शन पर बैठे धनंजय पांडे और किरण कुमारी का कहना है कि वर्ष 1995 से अब तक बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर बिहार सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालय, जिला स्तरीय विभिन्न आईटी बॉय गर्ल का विभागीय सेवा समायोजन करने एवं अन्य समस्याओं का निराकरण करने हेतु अनेकों बार बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ बिहार द्वारा 8 अक्टूबर 2023 को पटना में लगभग 25,000 की संख्या समायोजन करने हेतु धरना प्रदर्शन किया गया एवं बिहार सरकार को मांग पत्र सौंपा गया था। उसके बाद भी बिहार सरकार द्वारा संवर्ग की एक भी मांग को विभागीय सेवा समायोजन हेतु कोई स्पष्ट बात नहीं की गई। इसके बाद मजबूत होकर 28 नवंबर 2023 एवं 29 नवंबर 2023 दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर जिला मुख्यालय के लिच्छवी भवन पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें सभी विभाग के जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय गर्ल, संकेती के डाटा ऑपरेटर हड़ताल और धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। अगर बिहार सरकार द्वारा हमारी मांगों पर सकारात्मक पटल नहीं की जाती है तो पूरे बिहार के बेल्ट्रॉन कमी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। आज आप लोग का दूसरा दिन हड़ताल है, क्या मांग है आप लोग की? और बोलिए। हम लोग का मांग एक मुख्य मांग है, जो कि जायज मांग है, सेवा समायोजन। हम लोग विगत लगभग 20 से 25 वर्षों से कार्यरत हैं और आज तक हम लोग का कोई संवर्ग नियमावली नहीं बना, जिसके कारण हम लोग को वेतन, मानदेय भुगतान में, पारिश्रमिक भुगतान में विलम्ब होता है, सरकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, बहुत सारा पैसा हम लोग का जो पैसा है वो काट लिया जाता है, 10,000 रुपया काट लिया जाता है, उसका कोई अता पता नहीं रहता है। और हम लोग इसी मुद्दा को लेकर के विभागीय समायोजन, सरकार हम लोग को अपने विभाग में समायोजित कर दे और विभाग से जो भी देना हो दे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन विभाग अपने, जबकि जब हम आप काम करते हैं सरकार का, काम करते हैं अपने ऑफिस का, तो पेमेंट दूसरा देता है, ये तो अच्छा नहीं ना है। वहाँ जाते हैं तो वो कहता है कि आप हमारे कर्मी नहीं हैं, आप तो सरकार का काम करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग की क्या? हम लोग का मुख्य मांग है सेवा समायोजन, विभाग से जो भी हम लोग पारिश्रमिक दे, अगर विभाग से नहीं होता है तो हम लोग संघ के मार्गदर्शन में अग्रेतर कार्रवाई है तो विवश हो जाएंगे और इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी यादव की होगी। और हम लोग इसका पुरजोर सरकार का विरोध करेंगे और हड़ताल पर भी जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ धनंजय पांडे, बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ जिला इकाई कैमूर अध्यक्ष। आप लोग धरना प्रदर्शन पे हैं, क्या मामला है आप लोग, क्या मांग है? हम लोग का मांग है सरकार से सेवा समायोजन। अच्छा। क्योंकि हम लोग काम सरकार का करते हैं लेकिन वेतन में कटौती हो जाता है, बीच में आउटसोर्सिंग लगा दिया जाता है और इसके माध्यम से हम लोग को जो पेमेंट चाहिए वो नहीं मिलता। अभी कितना मिलता है और कितना का मांग करना चाहती हैं आप लोग? मांग हम लोग का पेमेंट सही है लेकिन बीच में 8,000 से 9,000 रुपये काट दिया जाता है। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम लोग का सेवा समायोजन होना चाहिए, विभागीय सेवा समायोजन। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जो लोग निर्णय लेंगे उसके पीछे हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर।